सब्सक्राइब कीजिए डीटीएच टिप्स यूट्यूब चैनल को और साथ में दबाए बेल आइकॉन ताकि आप भी देख सके डीटीएच के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं भरत बहुत बहुत स्वागत करता हूँ डीटीएच टिप्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपको 3 सैटेलाइट एक ही डिश में चलानी है तो ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि मैं आज एक ही डिश पे 500 फ्री टू एयर चैनल चला के दिखाऊंगा। तो जो इंडिया के पॉपुलर फ्री टू एयर सैटेलाइट है, जिसमें नाम आता है ICSAT-7, DD-3DISH और ABS-2, तो तीनों सैटेलाइट आप एक 4 फीट की प्राइम फोकस डिश पे कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक प्राइम फोकस डिश लगी है और इसमें जो मेन है प्राइम फोकस एलन भी वो है ICSAT-7। तो इसमें आपको मिल जाते हैं करीबन 250 से 300 चैनल मिल जाते हैं फ्री टू एयर, और कुछ अच्छे चैनल है जैसे कि ट्रांसपोर्ट है वो भी 20 की पावर बीपी से चल जाते हैं। फिर आपको DD-3DISH करना है तो आपको कुछ नहीं करना, नॉर्मली सेटिंग आती है इसकी, तो एक ही लाइन में वो सैटेलाइट सेट हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जो डिश का स्ट्रे होता है ऐसा क्लैंप आता है डिश के साथ, तो ऐसा क्लैंप का आप यूज कर सकते हो और तीनों सैटेलाइट एक ही डिश पे सेट कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ प्राइम फोकस में सेट होता है ICSAT-7, फिर यहाँ से आप इतना लेंगे तो ये है DD-3DISH और इसमें 2 सैटेलाइट सेट है, डिश टीवी और DD-3DISH, दोनों सैटेलाइट सेट आप कर सकते हैं। तो मैं इसका थोड़ा स्केल दिखा रहा हूँ, तो देखिए जो स्ट्रे है वो कितना लेना है, तो डिश का स्ट्रे होता है जो वो लगभग 30 सेंटीमीटर होता है। तो देखिए, यहाँ एक मिडल में होगा ऐसा फीड ऑन में, तो यहाँ से आप एक स्ट्रे लगा दे तो आपको ऐसा हो जाएगा, स्टैंड हो जाएगा LMB के लिए दूसरी लगाने के लिए। फिर आपको यहाँ से 10 सेंटीमीटर नीचे रखेंगे तो आपको मिलेगा DD-3DISH, और इसके ऐसे क्रॉस में थोड़े जाएंगे तो आपको ABS के भी सिग्नल मिल जाएंगे। तो वो कितना होता है मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो वो होता है 25 या 26 सेंटीमीटर पे ABS-3DISH के सिग्नल मिल जाते हैं। तो देखिए, ऐसे ही आपको DD-3DISH, ABS-3DISH और ICSAT-7 चला सकते हैं, और इसमें मिलते हैं 250 से 300 चैनल, इसमें मिलते हैं 150 चैनल और इसमें मिलते हैं 100 चैनल, तो टोटल 500 के ऊपर इसमें फ्री टू एयर चैनल मिल जाते हैं। तो अब मैं आपको LMD की पोजीशन फिर से दिखा रहा हूँ। देखिए, आपको तीनों सैटेलाइट सेट करने तो आप ऐसे LMD रख सकते हैं। डिश के अंदर जाकर भी आपको दिखाऊं तो LMD वर्जन क्या है, देखिए ऐसे आप LMD रखेंगे तो तीनों सैटेलाइट के प्रॉपरली सिग्नल मिल जाएंगे, और जो सैटेलाइट के चैनल आते हैं वो पूरे के पूरे आते हैं, इसमें कोई भी चैनल कट नहीं होता। तो देखिए, हमारा ये तीनों मल्टी सैटेलाइट का सेटअप कंप्लीट है। अब मैंने वो तीनों सैटेलाइट है वो डिस्पीसी स्विच में लगा दिए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ मैंने तीनों सैटेलाइट लगा दिए हैं और यहाँ पे बॉक्स भी रख दिया है। देखिए, 6141 बॉक्स यहाँ पे लगा है, अब यह देख सकते हैं। और दोस्तों, मैं अभी धूप ज़्यादा है तो टीवी ऊपर नहीं लगा सकता, लेकिन क्या है, मैंने लास्ट वीडियो डाला था सेकंड लास्ट, इसमें मैंने मोबाइल में टीवी चला के दिखाई थी, तो ऐसे ही मैंने डायरेक्ट यहाँ पे मोबाइल लगा दिया है। तो यहाँ से केबल जाती है हमारे टीवी की ओर, यानी कि मोबाइल में। सबसे पहले तो हम मोबाइल में टीवी शुरू करते हैं, तो इसके लिए मैं ये OTG केबल डालता हूँ मोबाइल में। देखिए, हमारा टीवी ऑन हो गया है, लेकिन क्या, धूप के कारण आपको वो चैनल दिखेंगे नहीं, तो इसलिए मैं आपको इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता हूँ। देखिए, यहाँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग, तो मैं यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू करता हूँ। ओके स्टार्ट। अब हमारा स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू हो गया है, आप अब टीवी स्क्रीन में देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग स्क्रीन देख सकते हैं। दोबारा मैं एक बार शुरू कर देता हूँ। देखिए, यहाँ पे ICSAT-7 के सबसे पहले सिग्नल मैं दिखा रहा हूँ, तो इसके 2-3 चैनल दिखाऊंगा, फिर DD-3DISH के दिखाऊंगा, फिर ABS के दिखाऊंगा।
देखिए। सबसे पहले मैं आपको एशिया सेट 7 के चैनल दिखाता हूँ, तो इसमें हमें काफ़ी चैनल मिलते हैं। देखिए सारे के सारे चैनल चल रहे हैं। जो प्राइम फोकस है वो तो है, एशिया सेट के अंदर इसके तो प्रॉपर सिग्नल मिल रहे हैं। ओके, अब मैं आपको डिश टीवी के चैनल भी दिखाऊंगा, इसके चैनल मिलते हैं या नहीं। तो हम अब सैटेलाइट चेंज करेंगे, यहाँ से हम करेंगे डिश टीवी। देखिए ये है डिश टीवी, तो इसके चैनल भी मैं आपको दिखाऊंगा। यह देखिए डीडी फ्री डिश के सिग्नल दिखाता हूँ, तो देखिए ये वंदे गुजरात डीडी फ्री डिश में आ रहा है, फ्री टू एयर, इसके भी सिग्नल हैं, इसके भी सारे चैनल चल रहे हैं। ओके, तो ऐसे आप हम दो सैटेलाइट कर सकते हैं, और तीसरा भी एक सैटेलाइट बाकी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब मैं आपको ABS के सिग्नल दिखाता हूँ, तो ABS हम यहाँ से सेटिंग कर लेते हैं। ABS 2 देखिए, अब इसके चैनल आएंगे। अब हम यहाँ ABS के चैनल दिखा रहा हूँ, तो देखिए ABS के सिग्नल है, और इसके भी सारे चैनल मिल रहे हैं, और इसका सिग्नल भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए इसका सिग्नल बहुत ज़्यादा मिल रहा है, और आपको ABS की TP मालूम नहीं है तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ये ABS की TP। ओके दोस्तों, ऐसे ही आप एक ही डिश पे तीनों सैटेलाइट सेट करके सारे के सारे चैनल देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप ऐसे 120 सेंटीमीटर प्राइम फोकस डिश पे तीनों सैटेलाइट एक ही साथ कर सकते हो, और 500 से ज़्यादा फ्रीक्वेंट चैनल देख सकते हो। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, ताकि वो भी ऐसे सेटिंग कर सकें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे हम DTH रिलेटेड और टेक के ज़्यादा वीडियो लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।